असलकम वहम्ला वर्का तो क्या आप डेड कर बैठे हैं अपने मोबाइल को या आप सत्यानाश कर बैठे हैं अपने मोबाइल को या कस्टमर ने आपको पकड़ लिया है कि मोबाइल हमें ठीक करके दो तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे तशरीफ़ लेके आ चुके हैं क्योंकि मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि मीडिया टैग के तमाम हेलियो सी को यानी कि ठीक करने का उसका सॉफ्टवेयर ठीक करने का बेहतरीन और आखिरी हाल आ आखरी हल हा चुका है मार्केट में ये आपके सामने एस पी फ्लैश टूल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे रहा हूँ फ्री का टूल है लेकिन ये आम टूल्स की तरह का टूल नहीं है इस टूल को मॉडिफाइड किया गया है यानी कि अब डी ए की फ़ाइल्स की किसी किसी किस्म की किसी फाइल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है सामने कि जानब ये बाईपास आउट का ऑप्शन इसमें है आ, इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल की जो फर्स्ट बूट लोडर की सिक्योरिटी होती है यानी कि सिक्योर बूट की सिक्योरिटी होती है वो बाईपास करके बिना डी ए आउट फाइल्स की स्पेशल फ़ाइल्स के ज़रिए ये मोबाइल को फ्लैश कर देगा अभी नॉर्मल डी ए की फ़ाइल है ये मैं लोड कर देता हूँ जो कि फ्लैश टूल के फोल्डर में आई है इसके बाद मैं अपने मोबाइल का जो स्टॉक फार्मर की फ़ाइल है टेक्स्ट फाइल है यानी कि स्केटर फाइल है उसको लोड करूँगा और लोड होने में कुछ वक्त लगाएगा और ये तमाम फ़ाइल्स आपने डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करनी है इसके अलावा कोई फ़्लैश टूल आपने यूज़ नहीं करना सिर्फ़ यही फ़्लैश टूल यूज़ करना है क्योंकि बाकी के फ्लैश टूल में आपको आउट बाईपास का ऑप्शन नहीं मिलेगा ये मॉडिफाइड एडिटेड फ्लैश टूल है तो यहाँ पे फर्मवेयर लोड करने के बाद कुछ पार्टिशनें हैं जिसको मैंने अनचेक करना है यानी कि प्री लोडर टी के वी ट्रॉन एफ एस डी टी पी डी टी बी ओ यानी कि इन पार्टिशनों को मैंने अनचेक कर दिया है ये मैं आप लोगों के uh, रहनुमाई के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये कुछ पार्टिशनें हैं इनको आपने अनचेक कर लेना है और मैं चेक कर देता हूँ चेक करता हूँ कोई रहता नहीं अच्छा तो ये सब करने के बाद आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपल डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने अपने मोबाइल को कंप्लीट ऑफ़ कर देना है कंप्लीट ऑफ़ करने के बाद आपने मोबाइल के दोनों वॉलीम के बटन को प्रेस करके मोबाइल को कंप्यूटर के साथ यूएसबी केबल की मदद से कनेक्ट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मीडिया टैग के ऑल इन वन ड्राइवर्स इंस्टॉल हों और वो ड्राइवर्स भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया रेड लाइन चली और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आ, बिना आउट बाईपास टूल के किसी दूसरे टूल की के अलावा डायरेक्ट एस फ्लैश टूल की मदद से मैंने हेल्यू सी के मोबाइल को फ्लैश किया है और इन आप लोगों को आ, ये टूल बहुत मदद फरहम करेगा और इसके अलावा डेड मोबाइल्स को रिकवर करने में और मोबाइल्स की फ्लैशिंग इसके अलावा आप एफ़ आर बी एड्रेस की मदद से आ, इनके एफ आर बी भी तोड़ सकते हैं चाहे वो कोई भी मीडिया टैक का मोबाइल हो आजकल दो फिलहाल तो 2022 चल रहा है इस साल में जो भी नया लेटेस्ट फ़ोन है रेडमी वीवो Oppo, Infinix, टेक्नो या इसके अलावा कोई और कंपनी है इन तमाम फ़ोनस पे ये टूल वर्क करता है बिना किसी परेशानी के बिना किसी एरर के ये डायरेक्ट आपके मोबाइल को डायरेक्ट फ्लैश कर देगा किसी किस्म की परेशानी की सूरत में या किसी किस्म की एरर की सूरत में आ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की रहनुमाई करूँगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन तो बिल्कुल आप दबाएंगे वो तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना लेकिन सब्सक्राइब भी कर दें तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा मेरे ख्याल में आप में से वे क्लिक ही करना है और फिर मैं खुश हो जाऊँगा अच्छा खैर छोड़ें आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक कर दिया मैं आप लोगों को चाय भी पिलाऊँगा इसके अलावा मैं आप लोगों को रोटी भी खिलाऊँगा यकीन करें यकीन करें मैंने आप लोगों को रोटी बिल्कुल रोटी के मामले में मैंने कभी किसी को ना नहीं की अगर आपने रोटी खानी है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इसके अलावा चाय भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूँ डब्बे वाला दूध हो चाहे भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो जो भी हो मैं कहीं और निकल चुका हूँ यहाँ बात फ्लैश टूल की हो रही थी खैर ये हमारी फ्लैशिंग आप लोगों को नज़र आ रही है येलो कलर की जो लाइन है ये चल रही है ये जब तक कंप्लीट होती है तब तक आपने बिल्कुल भी मोबाइल को कंप्यूटर के इसके से डिसकनेक्ट नहीं करना क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हो रही है यानी कि आपके मोबाइल फ्लैश हो रहा है इस दौरान आपने बिल्कुल भी मोबाइल को डिसकनेक्ट करना नहीं करना और ये भी बता दूं कि फ़्लैश होने के बाद आपका तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा और इसके अलावा फ्लैश टूल में आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डाउनलोड ओनली का जिस पे मैंने अभी निशान लगाया है इसको डाउनलोड ओनली पे ही रखना है यानी कि डाउनलोड ओनली पे ही रखना है और इसको आ, फर्मेट डाउनलोड या फर्मवेयर अपग्रेड डाउनलोड इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि डाउनलोड करने की सूरत में आपके मोबाइल के सीरियल नंबर उड़ सकते हैं आई नंबर उड़ सकते हैं तो आपने सिर्फ डाउनलोड ऑनली पे क्लिक करना है और कुछ पार्टिशनें जो मैंने अनचेक की थी शुरू में उसको अनचेक रखना है और आ, फिर भी अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना हो आपको एरर का सामना हो तो आप अपनी डीए की फ़ाइल जो कि नॉर्मल डीए की फ़ाइल होती है वो आप मेरी जो वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी दुआएं भी देनी है मुझे और दुआओं में तो आपने ज़रूर याद रखना है और फिर चलते हैं फिर अल्लाह हाफ